ये कार एक इंटरनेशनल लग्जरी कार के साथ कंपेयर के लायक। अब आप देखिए कि आपको स्पोर्ट्स कार की फील दे रही है। मुझे बताइए, इसका तो क्रैश टेस्ट हुआ नहीं, आप इसको सेफ कैसे कह रहे हैं? क्योंकि जो क्रैश टेस्ट का जो बैरियर है शायद वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इसका इम्पैक्ट झेल पाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। फ्रेम में आप ये लंबी चौड़ी ब्लैक कलर की आगे गोल्डन ग्रिल वाली गाड़ी देख रहे हैं। ये है टाटा सफारी गोल्ड एडिशन। ये गाड़ी है नरेश जी की। नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नरेश जी ने रेड डार्क एडिशन नहीं लिया, हालांकि वो अवेलेबल था। उसमें टच स्क्रीन वगैरह बिल्कुल चेंज हो गई है, जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो सारी सही कर दी है। उसमें एडास भी आता है, वो इन्होंने सेलेक्ट नहीं करा, और साथ के साथ इन्होंने महिंद्रा की XUV700 को भी कंसिडर नहीं करा। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताइए कि यार सफारी पे जाना क्यों हुआ? क्योंकि जनरली देखा जाए तो लोग XUV700 के पीछे पड़े हैं आजकल, जिसकी वजह से उसकी वेटिंग काफी ज्यादा हो चुकी है। मुझे एक रगेड कार चाहिए थी। अगर आप इसे देखेंगे तो ये बहुत ही अमेजिंग लुक और स्टांस देती है, चाहे इसका एक्सटीरियर है, चाहे इसका इंटीरियर है, और चाहे साइड प्रोफाइल है। आप अगर इसको कार को देखेंगे ना, तो ये बहुत ही रगेड और काफी रोबस्ट फील कराती है। और जैसे ये रोबस्ट लगती है, जैसे ये लग्जरियस लगती है, उतना ही ये ड्राइविंग प्लेजर देती है आपको। अभी आपने कितनी चला ली है गाड़ी? ये मैं 3500 किलोमीटर चला चुका हूँ। 3500 आप चला चुके हैं, और 3500 किलोमीटर में कहाँ कहाँ की ड्राइव रही है? सिटी के अलावा मैं अब तक इसको एक बार मशोबरा लेके जा चुका हूँ, शिमला के थोड़ा सा आगे। मैंने इसको हाईवे पे भी चलाया है, मैंने इसको सिटी में भी चलाया है, और मैं इसे हिल पे भी लेके गया हूँ। देखिए, अगर बात करी जाए पावर फिगर की और साथ के साथ इंजन की, रिफाइनमेंट 700 में ज्यादा है, इसमें कम है। लेकिन 700 की बात ही नहीं करते हैं सर, क्योंकि X1 से रिलेट कर रहे थे, X5 से रिलेट कर रहे थे, क्योंकि ये हाई एंड गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां चलाते रहते हैं। तो आपको ऐसा क्या लगा इसमें उससे रिलेटेबल? अगर आप इसे चलाएंगे तो इसकी ड्राइविंग रिफाइनमेंट बहुत ही अच्छी है। okay. चाहे इसकी सीटिंग पोजीशन है, चाहे इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही स्मूथ है, और ये रोड पे आपको एक बहुत ही कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। अब आपसे ये जानना चाहूंगा, रेड डार्क एडिशन जो कि हाल फिलहाल में आया है, उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम काफी अच्छा है, यूनिक है और गाड़ियों से टाटा की, और साथ के साथ उसमें ADAS भी मिल जाता है, तो उसको कंसिडर क्यों नहीं करा आपने? एक तो ये कि मुझे रेड सीट कवर्स नहीं चाहिए थे, यू नो, तो मुझे बेज ही चाहिए थे। दूसरा, मैं म्यूजिक सिस्टम बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, इसका म्यूजिक सिस्टम भी बहुत पावरफुल है, और दूसरा ADAS की मुझे नीड नहीं थी। आई थिंक इसमें सारे फीचर्स हैं जो आपको एक सेफ्टी कार के लिए चाहिए होते हैं। ये ऑन रोड आपको कितने की पड़ी थी? 27-28 के आसपास की थी, क्योंकि अब ये नया वर्जन एक लेके आए थे, तो मुझे इसमें कुछ डिस्काउंट मिले, तो ये मुझे 26 की पड़ी है। 26 ऑन रोड है, और ये ऑटोमेटिक है, मैं आपको बताना भूल गया था। अच्छा, ये गोल्ड अजीब सा नहीं लगता आपको? ये अच्छा लग रहा है। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है मुझे तो, आई एम इन लव एक्चुअली। अब जब से मैंने लिया है तो यू नो, अब मैं रोज इस कार को देखता हूँ। हाँ। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। ये कलर ना ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा पर्पलिश है, तो ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है। ये बताइए कि कम्फर्ट कैसा है गाड़ी के अंदर बाकी गाड़ियों के कंपेरिजन में? इसका कम्फर्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। जब आप इसको कार को चलाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा कम्फर्ट प्रोवाइड करती है, और इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इतना अच्छा है कि सिटी में एक एफर्टलेस ड्राइविंग है। आप सिटी में कार चलाते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलता है कि आप इतनी बड़ी कार चला रहे हो। बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है। 15+ की एवरेज ही आपको दिखा रहा है MID में, क्या एक्चुअल में इतना देती है क्या एवरेज? हाँ, इसकी जो सिटी में ड्राइव माइलेज है वो 15-16 की माइलेज है। मैं जैसे फरीदाबाद से दिल्ली क्रॉस करके नोएडा आता हूँ, तो ये मुझे 16 के आसपास की माइलेज देती है, 15-16 की माइलेज देती है। अच्छा, एंड टू एंड काफी अच्छी एवरेज निकाल रहे हैं आप। चलाने का स्टाइल कैसा है आपका? मैं नॉर्मल स्पीड पे चलाता हूँ, और अच्छा। कोई स्लो नहीं चलाता, मैं 80-90 स्पीड पे चलाता हूँ। हाईवे की जो स्पीड लिमिट है वो 100 है, तो 80-90-70 डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक मैं उसी हिसाब से चलाता हूँ। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पहले के कंपैरिजन में ना काफी रिफाइन कर दी गई है। ये जनवरी मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ी है, तो काफी स्मूथ कर दी है। फेज टू वाले में थोड़े बहुत अंतर और होंगे, वो थोड़ी सी और ज्यादा स्मूथ होगी। लेकिन हाँ, नॉइस की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें 700 से। बाकी पावर अच्छी खासी है, चलती बहुत प्यारी है गाड़ी, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। जो इसका स्टीयरिंग है उसमें थोड़ा सा वेट ज़्यादा है अगर आप स्लो स्पीड में रहते हैं तो। अगर मैं जैसे इसको टर्न कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मुझे जान लगानी पड़ती है, लेकिन आप इसके यूज टू जब हो जाएंगे तो आपको ये नॉर्मल लगेगा, सीधी सी बात। अगर टाटा की बात करें, टाटा की अगर आप सभी गाड़ियों में देखेंगे, उसमें स्टीयरिंग थोड़ा सा आपको ना अच्छे फीडबैक वाला मिलेगा, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? मेरे पास इससे पहले सियाज थी, जो डीजल थी, दैट वाज आल्सो वेरी फन टू ड्राइव कार।
आप इसका रेव देखिए कितना अमेजिंग साउंड दे रहा है। आप इसे अगर स्पोर्ट्स मोड में चला के देखेंगे तो इसका रेव बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। अगर आप कार का इंटीरियर्स आप चेक करेंगे, चाहे वो डोर्स हो, चाहे वो सीट्स हो, चाहे स्पेस हो, वो सारा जो है बहुत ही अमेजिंगली जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये कार चलाने में जितनी अच्छी है उसमें बैठना ही उतना अच्छा लगता है। देखो मजा तो आ रहा है चलाने में, नो डाउट। अब आप देखिए कि आपको स्पोर्ट्स कार की फील दे रही है। ये कार आपको ड्राइविंग प्लेजर के अलावा ना एक ड्राइविंग का नशा देती है। मुझे ऑलमोस्ट अब 25 साल हो गए हैं कार चलाते हुए, तो मैंने बहुत सारी कार चलाई हैं, लेकिन ये कार आपको अमेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। जो एक रगेड एसयूवी में जो फील आनी चाहिए वो ये कार आपको प्रोवाइड करती है, और कार के जो मोड्स हैं आपको पूरी कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। City drive mode activated. अरे ये गलत बात है यार, ये गलत बात है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के बाद इसमें स्पोर्ट्स मोड लग नहीं रहा है, गाड़ी को सेफर बनाने के लिए। गाड़ी क्योंकि क्योंकि टाटा ने जो कार बनाई है ना, टाटा ने इसमें सारी सेफ्टी फीचर दी हैं ताकि कार एक कंट्रोल में रहे। आप बोलते जाओ, मैं चलाने में मजे ले रहा हूँ यहाँ पे। तो जितना इस कार को चलाने में मजा आता है उससे ज्यादा इसमें बैठने में मजा आता है। अच्छा, आपको बॉडी रोल वगैरह कुछ फील हो रहा है? मैं भी बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं है, कार अमेजिंग ग्रिप के साथ चलती है और पीछे बैठ के आपको बहुत ही मजा आता है। अच्छा, तारीफ तो हम काफी करते हुए आ रहे हैं इस गाड़ी की, नेगेटिव बताओ ताकि लोगों को पता चले क्या क्या कमियां रह गई टाटा की तरफ। अभी फिलहाल मुझे इसमें कोई ज्यादा कमियां नहीं लगी है। हाँ, मैं इसमें कार का जो एक की स्पॉट होता है ना, जिससे कि आप चाबी लगाते हैं, मैनुअल चाबी लगाते हैं, वो एक स्लॉट में मिस करता हूँ। और उसके अलावा? उसके अलावा मुझे अभी इसमें कोई कमियां नहीं दिखी हैं। मैं एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि और क्या है। हाँ, मुझे जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में डी एन और आर है, वो कभी कभी धूप में नहीं दिखाई देता है। अच्छा, तो वो मैंने फिर सेल्स वाले को बोला, कह रहे कि सर आपको नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप एमआईडी में देखिए, आपको आपको वहां पे दिखाई दे रहे हैं। सही बात तो, है। मुझे पता है क्या लग रहा है, आप एक महीने में सफारी के फैन हो गए हैं अच्छे खासे, है ना? नहीं, शायद एक महीने से पहले ही मैं टाटा सफारी का फैन था। इनफैक्ट ये प्रोडक्ट मुझे पसंद था। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि अब लेने के बाद मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं टाटा सफारी को ओन करता हूँ। जो ये ब्लैक का गोल्ड एडिशन है, ये टॉप एंड जो XZA प्लस है उसके भी ऊपर ये मॉडल पोजिशनड है। कुछ फीचर्स उन्होंने ऐड किए थे इसमें, वेंटिलेटेड सीट्स ऐड की थी, वायरलेस चार्जर है वो ऐड किया था। मैंने ये कार उन्हीं फीचर्स के लिए जो फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है, ना कि जो और कार्स प्रोवाइड करती हैं। ये रगेड है, ये कंफर्टेबल है, ये सेफ है, ये लग्जोरियस है, और टाटा सफारी में एक नशा है। जो अच्छा, आपको ये बताइए कि अगर सफारी स्टॉर्म होती मार्केट में, उसको लेते या फिर इसको लेते? मैं अभी इसी टाटा सफारी को ही लेता, और इनफैक्ट मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि अगर इसका नाम अगर टाटा ने ग्रेविटास भी रखा होता जैसे उन्होंने लॉन्च के टाइम पे बोला था, तो आई थिंक वो भी सही होता, क्योंकि टाटा सफारी डायकोर और टाटा सफारी स्टॉर्म जो कार्स थी वो और ये कार में बहुत ज्यादा फर्क है। काफी एडवांस हो गई, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इसको आप टाटा सफारी पुराने वाली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये कार एक इंटरनेशनल लग्जरी कार के साथ कंपेयर के लायक है। रवि सर, क्या होता है कि आफ्टर एन एज ना यू वांट कंफर्ट आल्सो। आप कार को चलाने के अलावा ना आपको एक कंफर्ट भी चाहिए होती है। मेरे को ये था कि मेरे को चलाने में जितना मजा आता है, मेरी फैमिली को भी बैठ के उतना ही अच्छा लगना चाहिए। ये अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, मुझे 6-seater चाहिए था, आई वॉन्टेड कैप्टन सीट्स, लेकिन मेरी वाइफ को ये वाली सीट चाहिए थी, बेंच सीट चाहिए थी, क्योंकि इट्स कंफर्टेबल टू सिट। रवि सर, जो इसमें सबसे अच्छा फीचर है वो इसका पार्किंग ब्रेक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, और ये उसके अलावा जो ऑटो होल्ड है ये और ऑटोमेटिक कंट्रोल, ये इसको सर इतनी कंफर्टेबल कार बनाते हैं ना। मैं तो ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई अपनी फैमिली में कोई एक सेफ कार लेना चाहता है, क्योंकि चलाने के अलावा आपको आई थिंक ये कार ना बहुत अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करती मुझे है। मुझे बताइए, इसका तो क्रैश टेस्ट हुआ नहीं, आप इसको सेफ कैसे कह रहे हैं? इसकी बिल्ड क्वालिटी आप कार में बैठ के आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कार के आप डोर देखिए। तो फिर इसको टाटा मोटर इसका क्रैश टेस्ट क्यों नहीं करवा रही है? मैं तो कहता हूँ कि उनको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सारी गाड़ियों का इनका हो चुका है, सिर्फ ये और हैरियर बची है। हाँ, समझ रहे हैं? आई थिंक एक जोक भी है कि क्योंकि जो क्रैश टेस्ट का जो बैरियर है शायद वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इसका इम्पैक्ट झेल पाए, तो इसलिए शायद वो बेटर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बैरियर ठीक हो जाए, तो वो उसके बाद शायद कराएंगे, टाइटेनियम अलॉय लगाने के बाद टेस्ट करेंगे शायद वो। ये लॉजिक सही लगा। जो इसके ना बहुत ही छोटी छोटी चीजें भी हैं,
चाहे अगर जैसे मैं एक सिंपल डोर की बात करता हूँ, डोर को इन्होंने बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से बनाया है, चाहे वो स्पेसिंग आप देखेंगे ना उसमें बॉटल होल्डर्स हैं, फोन स्पेस है, उसका हैंडल की आप फिनिशिंग देखिए कितनी ज्यादा अमेजिंग है, वो किसी भी इंटरनेशनल कार को बीट करती है। चाहे इसकी सीटिंग स्टाइल है, सीटिंग स्टांस है, बहुत अच्छा है। तो जब आप कार को चलाते हैं ना तो आपको एक एहसास कराती है कार की ये कितनी अच्छी तरीके से बनाई है। इसका जो ये ग्लव बॉक्स है ये कूल्ड है, और अगर आप इसमें देखेंगे इसमें एक 12 वोल्ट का सॉकेट है और इसके अंदर दो चार्जिंग सॉकेट हैं। इस रेंज में 25 से 27 की रेंज में या 20 से 27 की रेंज में कोई कार लेना चाहता है तो मैं बोलूंगा कि आप टाटा सफारी को एक बार आप जरूर बैठ के देखिए, आप ड्राइव करके देखिए एंड विद फैमिली आप जाइए, खुद एक्सपीरियंस करिए एंड इफ यू लव द कार देन यू टेक इट। मेरे को एक महीना हो गया, आई एम वेरी हैप्पी विद द कार। चलो अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए, आपके पैसे वसूल हो गए आपको ऐसा लगता है तो और क्या चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमने गलत जगह पे पैसे लगा दिए। सर्विस कैसी लगी टाटा की? फर्स्ट सर्विस कराई है अभी जो कि फ्री सर्विस थी। टाटा का जो सेटअप है ना वो बहुत चेंज हो चुका है पहले से। अच्छा ये बताइए इसका जो DEF का टैंक है वो कितने लीटर का है? एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, लेकिन शायद मेरे हिसाब से वो 15 लीटर्स का है जो मुझे मिला था, ये ऑलमोस्ट लाइक इसमें 7 लीटर्स कम था। अच्छा अब जब मैंने सर्विसिंग कराई थी तो इसका टॉप अप किया था मैंने, तो क्योंकि मैंने यूज भी कर ली थी तो उसके बाद मैंने इसमें 10 लीटर्स का टॉप अप कराया है। आई थिंक ये 1000 में मेरे ख्याल से 1 लीटर के आसपास कंज्यूम होता है। मैं अपनी कार को प्रॉपरली मेंटेन रखता हूँ। चलो अच्छी बात है, काफ़ी खुश हैं सफारी से और आप लोगों को रिकमेंड भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कोई भी कार लेते हैं उसके सेगमेंट में जितनी भी कार है उनको चलाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू नरेश जी आने के लिए। थैंक यू सो मच रवि सर।